एनआरसी व कैब कानून के खिलाफ 3 दिनों से जारी लगातार आंदोलन से रेलवे को प्रतिदिन हो रहा है 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान। आंदोलन के दौरान ट्रेनों में तोड़फोड़ व आगजनी से रेलवे को अब तक 10-15 करोड़ का लग चुका है चूना। ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान, रेलवे नहीं बोल पा रहा, कब तक सामान्य होंगे हालात। एनआरसी व कैब को लेकर पिछले 3 दिनों से जारी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव रेल परिसेवा पर पड़ा है। विभिन्न स्थानों में हो रहे हिंसक आंदोलन के कारण पिछले 3 दिनों से कई ट्रेनें रद्द किए जाने के बाद मालदा जिले के विभिन्न स्टेशनों में सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। ट्रेन रद्द होने से इन यात्रियों का बुरा हाल है। मालदा टाउन स्टेशन की हालत तो और भी चिंताजनक है। खुद मालदा के DRM को यह नहीं पता कि रेलवे परिसेवा कब सामान्य होगी। वहीं स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए ट्रेनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर रेल प्रबंधन के अनुसार ट्रेनों के इस तरह अचानक रद्द किए जाने से प्रतिदिन 20 से 50 लाख रुपए का रेलवे को नुकसान हो रहा है। वहीं NRC व कैब को लेकर अब तक विभिन्न स्टेशन में हुए तोड़फोड़ व आगजनी में अब तक रेलवे को 10 से लेकर 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि मालदा टाउन स्टेशन से प्रतिदिन 60 जोड़ी ट्रेनों की आवाजाही होती है, जिनमें 20 जोड़ी मालवाही ट्रेनें शामिल है। कोलकाता रूट के सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। मालदा NGP रूट पर भी ट्रेन परिसेवा पूरी तरह से ठप है। 2 घंटा जाबो बर्धमान हुए और गले समस्या वही NRC যেটা হয়েছে সেন্ট্রাল থেকে করেছে সেটার জন্য এবার মানে সাধারণ যে পাবলিক আছে ওরা বিভিন্ন জায়গায় তো অবরোধ করছে, ট্রেনের উপর অ্যাটাক করছে, কোথাও পাথরবাজি করছে, এইসবের জন্য কোথাও অবরোধ করছে, যার জন্য বিভিন্ন ট্রেনগুলো আটকে রয়েছে, ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। আমি চাইবো এই সমস্যা যত তাড়াতাড়ি সমাধান হোক এবং সাধারণ যেন এই সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষ এই সমস্যা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারে। অনেকের অনেক রকমের প্রবলেম হচ্ছে, যারা যেতে পারছে না, অনেকের পেশেন্ট রয়েছে, অনেকের সার্ভিস রয়েছে যারা যেতে পারছে না, স্টুডেন্ট রয়েছে, ওদেরও কালকে শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু তারা দেখুন প্রত্যেকেই বসে রয়েছে, অনেকে তো ঘর থেকে বেরোতে পারেনি ভয়ে, রাস্তায় কী হবে জানে না। मैं सुबह 10 बजे 10:30 बजे से खड़ा हूँ कोलकाता। प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो बिल आया हुआ है उसके वजह से जगह जगह पे स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन जो है काफ़ी डिले हो रही है और कुछ भी अपडेट पता नहीं चल रहा। इसमें बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। इंडियन रेलवे को इस पर ज़्यादा फोकस करके लोगों का जो सहूलियत है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मेरे को 2-2.5 घंटे हो गए नहीं, कोई अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट ये किशनगंज में दिखा रहा है और 2 घंटे से वही अपडेट लास्ट दिखा रहा है उसको लास्ट।